दोस्तों, आज के समय में मोबाइल का इस्तेमाल हम अधिकतर सभी लोग करते हैं और मोबाइल के थ्रू ही हम अपना बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र या बिजली का बिल या गैस बुकिंग या फीस भरनी हो या कोई भी काम करना हो तो हम मोबाइल के थ्रू ही करते हैं। और ऐसे में एक समस्या हमारे सामने आती है कि हमारे मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और बैटरी बैकअप कम होने लगता है। वैसे तो दोस्तों 2 साल तक ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और अगर 2 साल से पहले ये प्रॉब्लम आने लगती है तो इसका मतलब कि आपके बैटरी आपके मोबाइल में दिक्कत है। तो दोस्तों घबराइए नहीं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी का बैकअप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त पवन, और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल कनेक्ट ऑन टेक पर। तो दोस्तों चलिए फिर बता देता हूँ मैं आपको कैसे आप अपने बैटरी का बैकअप बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हमारे फ़ोन में बहुत से ऐसे ऐप्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐप्स को आप तुरंत अपने फ़ोन से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड में ये बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं बैटरी का, और ये जो है आपको पता भी नहीं चलता और आपकी बैटरी को ये निचोड़ लेते हैं। तो इसलिए आप जो भी ऐप्स फालतू हैं आपके मोबाइल में उसको आप जाकर अनइंस्टॉल कर दीजिए और उसे डिलीट कर दीजिए। दोस्तों बहुत से लोगों को मोबाइल इतना पसंद होता है कि वो मोबाइल्स के फीचर्स पे बहुत ज़्यादा फिदा रहते हैं, तो ऐसे में वो लोग लाइव वॉलपेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे अगर लाइव वॉलपेपर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि लाइव वॉलपेपर्स बहुत ज़्यादा आपकी बैटरी को खपत करते हैं। और साथ ही साथ आप जो स्लाइड शो वाले फीचर्स हैं, जैसे कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं वो स्लाइड, अलग अलग वॉलपेपर आते रहते हैं, तो आप उनको भी हटा सकते हैं। इससे आपकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ सकती है। दोस्तों आज की डेट में सभी इंटरनेट का इस्तेमाल रेगुलर करते हैं, और ऐसे में वो अपना मोबाइल डाटा हमेशा ऑन रखते हैं। तो जब आपको यूज़ करना हो आप तभी अपना मोबाइल डाटा ऑन रखें, अदरवाइज उसे ऑफ़ कर दें, क्योंकि आपका मोबाइल डाटा ऑन रहता है तो नेटवर्क जो है अपना एक सर्चिंग पोजीशन में रहता है, तो वो आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा खपत करता है। मोबाइल डाटा ऑफ रखें, और साथ ही साथ जैसे कि हम कभी ट्रैवल पे जाते हैं तो हम अपनी मैप का यूज़ करते हैं, तो हम अपनी लोकेशन ऑन करते हैं, तो ऐसे में आप अपनी लोकेशन और GPS को बंद करना ना भूलें, उनको यूज़ करने के तुरंत बाद बंद कर दें। इससे आपका बैटरी बैकअप भी बढ़ेगा और आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते हैं, तो कई जगह पे ऐसे हमारे नेटवर्क जो है कम होते हैं, फ़ोन का नेटवर्क बिल्कुल लो हो जाता है, तो उसमें हमें जो एंटीना होता है उसका जो बार्स होते हैं वो उससे पता चल जाता है कि कैसा नेटवर्क आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने नेटवर्क चेक करते रहें, और साथ ही साथ अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर कर लें या एरोप्लेन मोड पर कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना तो आप ये फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो नेटवर्क है वो बैटरी को कम खाएगा और आपके फ़ोन की बैटरी की लाइफ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी से कोई डाटा ट्रांसफ़र करना होता है या कुछ लेना होता है, तो ऐसे में हम अपना वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं या ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हम वाईफाई और ब्लूटूथ को यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन हम उन्हें ऑफ़ करना भूल जाते हैं, तो ऐसे में आप वाईफाई और जो है ब्लूटूथ को आप उसे ऑफ़ कर दें, जिससे कि आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। दोस्तों आजकल नए नए टेक्निक्स के मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनसे बैटरी बैकअप बढ़ सकता है। तो एक फीचर्स होता है डार्क मोड, मेरा बहुत फेवरेट है और उसमें बहुत सुंदर लगता है मोबाइल भी, तो आप डार्क मोड का इस्तेमाल करें। इससे जो है आपके स्क्रीन की जो लाइट है वो कम हो जाएगी और आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा और बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। दोस्तों जिस तरीके से हम अपने किसी ऑफिस में वर्क मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरीके से हमारे फ़ोन में भी हमें स्क्रीन मैनेजमेंट करना चाहिए। स्क्रीन मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि हमें अपने स्क्रीन की ऑटो ब्राइटनेस और ब्राइटनेस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और हमें ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ रखना चाहिए, जिससे कि रोशनी के अकॉर्डिंग मोबाइल जो है स्क्रीन की लाइट एडजस्ट करता है, जिससे मोबाइल की बैटरी की खपत होती है। तो इसको ऑफ रखने से आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। दोस्तों हमारे मोबाइल में एक ऑप्शन होता है वाइब्रेट मोड का, तो दोस्तों आप उस वाइब्रेट मोड को बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अपनी वॉल्यूम को कम कर सकते हैं
और क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है कि वाइब्रेट मोड ऑन रखते हैं। तो दोस्तों वाइब्रेट मोड में होता क्या है कि हमारे फ़ोन में एक छोटी मोटर होती है और जैसी वाइब्रेशन होती है तो वो मोटर घूमती है, उससे हमारी बैटरी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए वाइब्रेट मोड को ऑफ रखिए और आप अपनी वॉल्यूम को कम कर लीजिए, इससे आपका बैटरी बैकअप भी बढ़ेगा और बैटरी की लाइफ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते हैं तो कई जगह पर ऐसे हमारे नेटवर्क जो है कम होते हैं, फ़ोन का नेटवर्क बिल्कुल लो हो जाता है, तो उसमें हमें जो एंटीना होता है उसका जो बार्स होते हैं वो उससे पता चल जाता है कि कैसा नेटवर्क आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने नेटवर्क चेक करते रहें और साथ ही साथ अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर कर लें या एरोप्लेन मोड पर कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना तो आप ये फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो नेटवर्क है वो बैटरी को कम खाएगा और आपके फ़ोन की। दोस्तों आजकल हमारे मोबाइल में ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, तो ऐसे में आप उन ऐप्स को अपडेट करते रहें, क्योंकि दोस्तों जब आपके पास ऑप्शन आता है कि इस ऐप को अपडेट करें तो इतने परसेंट आपकी बैटरी लाइफ बचेगी, तो दोस्तों आप उन ऐप्स को अपडेट करते रहें जिससे कि आपकी बैटरी लाइफ बढ़ेगी, बैटरी का बैकअप भी बढ़ेगा और मोबाइल की लाइफ भी बढ़ेगी। दोस्तों आजकल सभी स्मार्टफोन में एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स आ रहा है जिसको कि हम बैटरी सेवर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप अपने फ़ोन में बैटरी सेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपके जो मोबाइल की लाइट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा पीलेपन पे आ जाएगी और इससे आपकी आँखों को भी बचाव होगा और आपकी बैटरी बैकअप भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि आप कैसे अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों एक तो फ़ोन जैसे ही 20% पे आ जाए तो उसे तुरंत चार्ज करें, और दोस्तों जब वो 90% पे हो तो उस चार्जिंग को बंद कर दें, और दोस्तों रात में चार्जिंग पे फ़ोन को लगाकर मत सोएं। 1-1.5 घंटे में चार्ज हो जाता है फ़ोन कोई भी आजकल, तो उसे फ़ोन को चार्ज कर, अपने मोबाइल को बैटरी को 0% पे ना जाने दें कभी भी, और मोबाइल चार्जिंग में लगाकर कभी भी बात ना करें, और अगर आपका फ़ोन गर्म हो रहा है तो उसे आप रीसेट कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरे चैनल कनेक्ट ऑन टेक को। जय हिंद, वंदे मातरम।